गाइस, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मेरे बाल इतने बड़े हो गए हैं। देखिए गाइस, काफी टाइम अभी हो चुका है और अभी अभी मैं नहाने जाऊंगी। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि ये मैंने ऑर्डर किया है आदिवासी का ऑयल, फिर से ये सेकंड वाला है मेरा। पहले मैंने विनय भाई से मंगाया था और अभी ये दूसरे हैं, ये ओरिजिनल वाला, मतलब जो जिसका ब्रांड है मेन, नीलांबरी हर्बल हेयर ऑयल, ये वाला है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, देखिए कई प्रकार से। फेक वाला ऑयल भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, लेकिन ये डार्क है एकदम। उन्होंने जो जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाए हैं ना, डार्क कितना पकाया हुआ है तब जाके इसका कलर ऐसा है। अरे यार, मेरे से ना हर बार हमेशा गड़बड़ी हो जाता है। मैं जा रही थी नहाने के लिए, लेकिन यहाँ गिर गया है पानी, तो अब मुझे लगाना पड़ेगा पोछा। ज़्यादा पानी तो मैंने निकाल दिया है ये कपड़े से, लेकिन इधर पूरा पानी गिरा हुआ है, देखिए। तो चलो, सबसे पहले अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद नहाऊंगी फटाफट। और हाँ, बालों के लिए कुछ खास करने वाली हूँ जो अभी मैं दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। मैं आजकल क्या क्या कर रही हूँ बालों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बाल थोड़ी हेल्दी टाइप के हो जाए एकदम। मुझे मोटा घना करना है अब अपने बालों को, क्योंकि ये ऑयल लगाने से मुझे फ़ायदा तो हुआ है, क्योंकि देख सकते हैं आप मेरे इतने यूं बाल हो गए हैं, लेकिन बहुत पतले हैं, तो मुझे इसको मोटा करना है। उसके लिए मैं तेल लगाना ही ज़रूरी नहीं है, और उसके साथ बहुत चीज़ें ज़रूरी है जो बालों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो वो मैं क्या क्या कर रही हूँ वो ज़रूर देखें, जिनको अपने बालों को घना करना है, ठीक है। फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। तो गाइस, अभी मैं नहा चुकी हूँ और अब बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश, पूरा रूम भी क्लीन हो गया। और इसके बाद मैं, चलो मैं अगरबत्ती लगा लेती हूँ, ठीक है।
गाइस अभी बज चुके हैं दिन के एक एक सॉरी नहीं गाइस अभी बज चुके हैं 1:48 और मुझे लगे है जोरों की भूख। और संडे का टाइम, संडे नहीं सॉरी, मुझे लगा छुट्टी है तो आज संडे ही है, बट आज संडे नहीं है। और हाँ, आज मेरा ऑफ है, उसके चक्कर में आज मेरा बहुत ही ज़्यादा पूरा दिन ही निकल गया। और अब जाके मैं खाना खाऊंगी। खाना तो छोड़ो, चलो देखते हैं क्या बनाया था घूमते ने। वो हल्का सा गर्म करती हूँ फिर खाती हूँ। गाइस आप लोगों को यकीन नहीं होगा, अभी ये देखिए 1:52 हो रहे हैं, उल्टा दिख रहा होगा आपको, 1:52 हो रहे हैं। और अभी जाके हो रहा है मेरा नाश्ता, क्योंकि मैं उठी लेट लेट से हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और देर तक सोई, क्योंकि 2 वीक कंटिन्यू ड्यूटी, एकदम ऑफ ही नहीं था, इसलिए एक साथ मुझे आज 2 ऑफ मिला है, मतलब एक आज और एक कल, दोनों दिन मेरा छुट्टी है इस वजह से। इतना तो समझ में आ ही गया कि नाश्ता के टाइम पे होना चाहिए, नहीं तो नहीं खिलाता है। देखो मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अभी खाने के टाइम पे मैं नाश्ता खा रही हूँ, तो अब पोहा तो नहीं खिला रहा है, अब चलो सेव ही खा लेते हैं। अभी इससे थोड़ी देर पहले नाश्ता किया, नाश्ता करते करते तो ज़्यादा खिलाया नहीं मुझे, ऐसा बचा हुआ है, नहीं खिलाएगा मुझे अभी। और उसके बाद जब भी मैं नाश्ता करती हूँ तो सीरियल देखती हूँ, लेकिन आज मैं पहले सीरियल देख ली इसलिए अभी सीरियल नहीं देखी, मैं एक बार बाकी है। हालाँकि मैं 2 सीरियल देखती हूँ, एक परिणीति वाला एक अनुपमा वाला। परिणीति वाला मैंने सुबह ही मॉर्निंग में देख लिया, इसलिए अनुपमा वाला बाद में देखूँगी। और हाँ, अभी उसके बाद मैंने अभी थोड़ा वीडियो की एडिटिंग मैंने किया है और उसको जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि आजकल वीडियोस बनाना थोड़ा लेट हो रहा है। और हाँ, आपसे मेरा वीडियोस वगैरह आने लगेगा, डेली ना सही लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन के तो आने ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी बिग डे के चक्कर में, तो बिग डे ख़त्म हो चुका है फाइनली, 2 दिन का ऑफ है। और आज के दिन में आज मैं क्या क्या कर रही हूँ वही मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी तक का आपने तो देख ही चुका है, सो अभी से शाम तक नाइट तक मैं क्या करती हूँ वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। जब अकेले रहो ना तो खाने बनाने की इच्छा नहीं होती है। एक तो या फिर ऐसा करती हूँ गोमती के आने के पहले खाना बना के रेडी कर दूँगी, वो जल्दी आएगी 5:30 बजे, तब तक बना के रखूँगी, जल्दी खाना खा लेंगे। अभी थोड़ा सा सीरियल देखती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, बाय। गाइस आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मेरे बाल इतने बड़े हो गए हैं, देखिए ये ऑयल लगा के, बट थोड़े से पतले हैं, थोड़े नहीं बहुत पतले हैं। तो मैं आपको बोली थी कि मैं एक स्पेशल टिप्स यूज़ करने वाली हूँ, तो चलो उसको बनाने की बारी है, आ गई है, तो चलो बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं, वो चीज़ क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे इतना बड़ा ड्रम है, इसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है। और अभी नल में पानी नहीं आ रहा है, तो हम यही वाला पानी यूज़ करेंगे, स्टोर करके रखे हैं, ठीक है। तो ठीक है, और ये देखिए इतना सारा पानी रख दिए हैं, और इसमें रखेंगे अभी जो हम यूज़ करने वाले हैं। ज़्यादा पानी हो गया है, थोड़ा खाली करते हैं, हाफ़ ओके। और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं ये, आप लोग देख सकते हैं, कितना चम्मच है यहाँ पे, 3 चम्मच होगा ये, ठीक है। तो ये पूरे अलसी को इसमें रख देना है और इसको पकाना है अच्छे से, जब तक ये बॉईल ना हो जाए। इसको फ्लैक्सीड या अलसी भी कहते हैं, ठीक है, आप जिस भाषा में हैं
इसको समझ सकते हैं, समझ लीजिए। बाकी इसको अच्छे से बॉईल करना है, ठीक है। तो इसको बॉईल होने के लिए हम अभी छोड़ देते हैं, और बॉईल होने के बाद में हम दिखाएंगे और कितना पकाना है वो भी दिखाएंगे। तो ये देखिए गाइस, अभी ये जो है हम लोग ने इसको पका रहे थे ना अलसी को, ये बहुत ही ज़्यादा पक चुका है। मतलब इसको इतना पकाना है कि इसमें ना ये देखो, ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, थोड़ा रस टाइप का दिखे, ये रेसे टाइप का दिखे इसमें। इसको इतना पकाना है, और इतना जब पक जाए तो इसको बंद कर देना है, ठीक है। तो हमने बंद कर दिया अभी, उसके बाद मिलेंगे जब हम इसको आगे कुछ करने वाले रहेंगे। थोड़ा थोड़ा आज स्टॉक में था बहुत सारा ना। अरे कल मैं गई थी तो ये ऊपर का है ना, ये फट गया था, मतलब ये ऊपर ऊपर का निकला हुआ था, तो मैं नहीं खरीदी। वैसे भी एक ही था, मुझे लेके आना था दो। तो हम लोग खा रहे हैं भेलपुरी रेडीमेड वाला, जो हाँ भोपाल में अक्सर खाया करते थे हम लोग। भोपाल में खाते रहने हैं तो अच्छा लगता रहा, मस्त तो उन भी चटपटा बनाते रहे। इसके अंदर है ये चटनी, तिक्खा तिक्खा। इसको मैं फाड़ लेती हूँ। तूने मिक्स कर लिया पूरा को? मिक्स कर, अच्छा लगेगा, मस्त, बहुत मस्त लगता है। तो हम लोग किसको किसको भेलपुरी खाना पसंद है बताओ। तो आज खाना क्या खाई थी? खरीद के खाए ना, मुझे लग रहा था खरीद के खाई होगी शायद करके। और वैसे भी ठीक ही है, इतना महंगा भी नहीं है ना, 50 रुपए के। 50 रुपए के आराम से खा लो, एक इंसान खा सकता है। दिख नहीं रहा है, ये देखो इसमें चटनी पूरी तरह से मिक्स हो गया है। गोंती तेरे को कैसा लगा है? अच्छा लगा ना? गोंती ज्यादा बोलती नहीं है, बट गोंती को अच्छा लगा है। मेरे को इसको तो मिक्स करने में ही मुंह में पानी आ रहा है। कल ही लाने की इच्छा हो रही थी, खाने की भी इच्छा हो रही थी, लेकिन वहाँ स्टॉक ही नहीं था। तो आज तो बहुत सारा होगा ना, लगा होगा, लगा होगा। जब भी कुछ तीखा खाने का मन करे ना बिल। चलो मिक्स कर दिया हमने, चलो मिलते हैं खाने के बाद में। कुछ ज्यादा ही गुड़ नहीं लग रहा ये लीजिए, हर एक मांग में ऐसे लगा लेना, तो आईना देख के लगाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने उसको पूरी तरह से बालों में लगा लिया है। अभी नाइट का टाइम है और मैं इसको पूरी तरह से सुखा लूँगी, उसके बाद में धुलूँगी। आप इसको छान लेना, क्योंकि मैं तो इसको नहीं छानी हूँ। और चलो अब हमारा खाने का टाइम हुआ, तो हम पहले अभी खाना खा लेते हैं, बाद में झाड़ू लगा लूँगी। देखो तो हम लोग अभी खाना खाने वाले हैं। गोमती खाना खाने बैठ गई है, जिसको जिसको खाना खाना है गोमती के हाथों से एक निवाला खा लो, प्यार से खिला रही है, तो पहली बार खिला रही है, वैसे कुछ पूछती नहीं है वो खाने के लिए, ठीक है। और हाँ, हम लोग का खाना रहा इधर मस्त, सब्जी चावल विथ अचार के साथ में, और हम लोग सीरियल देख रहे हैं। हमारा आदत है खाना खाते खाते सीरियल देखते हैं, ताकि ख़त्म करते हैं। हमारा अभी खाने का टाइम हुआ है, उसके बाद में थोड़े बहुत मोबाइल चलाएंगे, उसके बाद में सोएंगे। आज का डेली रूटीन मैं आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ, और इसका तो सबसे ज़्यादा यूज़ मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। कैसे लगाना है, किस टाइप से लगाना है, इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। प्लस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।